Today's lecture we will discuss exercise 1.3 composition of function and invertible functions किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन है 1 2 1 3 4 2 1 2 5 एंड अनदर फंक्शन इज g 1 2 5 2 1 3. डोमेन एफ रेंज हमें दी है और फंक्शन भी हमें डिफाइन किया हुआ है एफ बी और जी बी. तो यहां पर एफ फंक्शन जो है 1 3 4 2 1 2 5 और डिफाइन क्या किया हुआ है इज इक्वल टू 1 2 3 5 ऑर्डर पेयर है और 4 1. अब इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 पुट करें फंक्शन में तो इमेज क्या आएगी, 2 आएगी. मतलब एफ ऑफ 1 हमारे पास कितना है, 2 है और एफ ऑफ 3 कितना है, वो कितना है 5. एफ ऑफ 4 कितना है 1, कितना है 1. या इस तरह से भी आप बना सकते हो फंक्शन दिस टू दिस 1 3 4 1 2 5. 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 1. तो ये हमारे पास फंक्शन है, ये इसकी डोमेन और ये जो है कोड में. इसी तरह से जी फंक्शन 1 2 5 2 1 2 5 1 3 1 3. तो फंक्शन क्या है, जी फंक्शन 1 3 2 3 और 5 1. इसका मीनिंग मतलब g ऑफ 1 कितना है 3, g ऑफ 2 भी कितना है 3 और g ऑफ 5 कितना है 1. इस तरह से आप दिखाएं तो इस तरह से दिखा सकते हैं g फंक्शन को 1 की 1 2 5 1 2 5 और दूसरा क्या है 1 3. 1 की इमेज 3, 2 की इमेज भी 3 और 5 की इमेज 1. तो ये हमारे पास दोनों फंक्शन है. हमें क्या करना है, राइट डाउन गॉफ, गॉफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स. तो यहां डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, 1 है, 3 है, 4 है. तो ये x यहां से आएगा, तो यहां हम पुट करते जाएंगे. पहला g ऑफ f1 मतलब g ऑफ f1, g ऑफ gof1 मतलब g ऑफ fx1. f1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी g ऑफ 2, g ऑफ 2 कितना है 3. इसी तरह gof ऑफ 3, x की वैल्यू यहां पर 3 लें तो गॉफ ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 5, यानी g ऑफ 5 मतलब g ऑफ 5 कितना है 1. इसी तरह गॉफ ऑफ 4 मतलब g ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 1, g ऑफ 1 मतलब g ऑफ 1 कितना है 3. तो गॉफ हमारे पास गॉफ ऑफ एक्स कितना आ गया, यहां पर आप देख सकते हैं 1 की इमेज कितनी है 3, यानी 1 3. इसी तरह 3 की इमेज कितनी है 3 1 और 5 4 की इमेज कितनी है 4 3. तो ये आपका गॉफ आ चुका है. उम्मीद है आप समझ चुके हैं, बस वैल्यू डालनी थी एफ एक्स की, ये हमें दिए हुए थे. देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. यहां पर 3 फंक्शन है एफ जी एंड एच, R to R, real to real, show that F plus GOH is equal to 4 plus GO. यहाँ product है, इन दोनों को prove करना है. Function हमारे पास क्या है? F है, एक G है और एक H है. क्या है वो? R to R, R to R. मतलब कोई problem नहीं है real to real. तो पहला जो part है, इसकी अगर हम left hand side लें, F प्लस जी
OH, मतलब F plus G of HX, X कहाँ से आया? डोमेन से आया, तो ये देखिए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा F of HX plus G of HX, बिल्कुल आसान है। ये क्या बन गया? Fo of X, Go of X, X चाहे आप ना भी लिखें, Fo plus Go, इसका मतलब क्या है? Hence proved, left hand side is equal to right hand side, बहुत आसान था। इसी तरह से product भी कर देंगे, तो left hand side F dot G OH, मतलब F dot G of HX, HX function के लिए अब product है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं F of HX dot, क्योंकि function है composite function GX, इसको क्या लिख देंगे? Fo of X Go of X, X चाहिए आप ना भी लिखें, Fo dot Go, इसका मतलब left hand side बराबर में राइट हैंड साइड। बहुत ही आसान सम था, उम्मीद है आप समझ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन मॉडुलस ऑफ एक्स जी एक्स 5x माइनस 2 का मॉडुलस एंड सेकंड पार्ट एफ एक्स 8x क्यूब जी एक्स एक्स रेज टू 1/3। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले करेंगे, एफ एक्स हमारे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स एंड जी एक्स हमारे पास है 5x माइनस 2 का मॉडुलस। तो पहले चलते हैं गॉफ, आप समझ गए होंगे गॉफ मतलब g of fx, की वैल्यू कितनी है? मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x, g of fx, fx की तरह मॉडुलस ऑफ x, अब इस x की जगह मॉडुलस x शिफ्ट कर देंगे इसके अंदर, g of मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू 5x की जगह मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, तो ये x मॉडुलस 5 मॉडुलस x माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास गॉफ, गॉफ इज इक्वल टू मॉडुलस 5x मॉडुलस माइनस 2, बहुत ही आसान था। इसका आप निकालें फॉग, f ऑफ gx, f ऑफ gx मतलब f ऑफ जी एक्स की जगह पर 5x माइनस 2 का मॉडुलस, यानी कि जो x f में x है उसकी जगह पर हम क्या डाल देंगे? 5x माइनस 2, यानी f ऑफ 5x माइनस 2 मॉडुलस। अब x की जगह पर शिफ्ट करना है, पहले मॉडुलस है x की जगह पर 5x माइनस 2 मॉडुलस, कितने मॉडुलस हो गए यहां पर? 2, तो यही आंसर है। दो मॉडुलस लिखने की बजाय एक ही लिख दें, एक के ही बराबर होता है, तो 5x माइनस 2, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, दो बार पॉजिटिव करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगी, तो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट, fx इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 1/3। तो पहले गॉफ, g of fx मतलब g of fx की जगह पर 8x क्यूब, और इसका मतलब यहां पर x है तो क्या डाल दें? यहां पर 8x क्यूब और सबकी पावर 1/3, यानी gx लिखना था x के ऊपर 1/3, x की जगह पर क्या डाल दिया? 8x क्यूब, 8 2 raise to power cube होता है, तो 2x की power cube into 1/3, power से power कट गई, तो 2x इसका answer, मतलब golf हमारे पास क्या आ गया? 2x, B, लिखते हैं fog, f of gx, बहुत ही आसान है, f of gx कितना है? x raise to power 1/3, मतलब जो fx है उसमें x की जगह पर क्या लिखना है? x raise to power
1 by 3 means fog is equal to f of x raised to power 1 by 3 is equal to 8, x की जगह पर 1 by 3, फिर ऊपर 3, किसके बराबर हो गया 8, 1 by 3 into 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 8x, तो this is also the answer, उम्मीद है fog और golf कैसे लिखा जाता है आप समझ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, if function is given 4x plus 3, 6x minus 4, x is not equal to 2 by 3, show that fof of x, यानी fof हमारे पास x आना चाहिए, x is not equal to 2 by 3, what is the inverse of x, तो inverse निकालना है f का और ये fof को x के बराबर prove करना है, तो पहले function fx is equal to 4x plus 3 over में 6x minus 4, तो ये हमारे पास function है, x is not equal to 2 by 3, इसका क्या meaning है, इसका meaning ये, जब हम इसको यहाँ पर put करेंगे, तो ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो function does not exist, define नहीं होगा, तो अब देखिए 6, x की जगह 2 by 3 minus 4, 3 to the 4, 4 minus 4 बराबर में 0, तो नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, वो function does not exist, infinite आ जाएगा, इसलिए ये लिखना जरूरी है, लेकिन हम बात करते हैं fof की, fof निकालना है, f of x, f of fx, f of fx, मतलब x की जगह पर क्या डालना है, fx, और fx है क्या, ये है 4x plus 3, 6x minus 4, तो डालते जाएं, x की जगह पर क्या, 4x, 4, x की जगह पर 4x plus 3, बटा में 6x minus 4, plus 3x की जगह पर 4x, इसी तरह नीचे 6, 4x plus 3, 6x minus 4, minus 4, आराम से करते रहें, LCM ले लें, 6x minus 4, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4, 4 जा 16, 4, 3 जा 12, plus 3 को 6x के साथ 18x minus 12, इसी तरह नीचे LCM लेंगे, 6x minus 4, 6, 4 जा 24x plus 18 minus 24x और प्लस 16, तो ये 6x minus 4 से 6x minus 4 कट गया, क्या बच गया देखते हैं, 12 से 12 गया, इधर 24x से 24 गया, 16 और 18, 34x, बटा में 18 और 16, 34, तो 34 से 34 गया, बटा बराबर कितना आ गया, x, इसका मतलब क्या है, हमने x प्रूव कर दिया, यानी f of x बराबर में x, जो क्या है, एक आइडेंटिटी है, ये तो हमने प्रूव कर ही दिया, हेंस प्रूव, लेकिन आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, तो इनवर्स निकालना है, आप देखिए जब कभी भी कंपोजिट फंक्शन x में आ जाए, इसका मतलब क्या है, वो खुद का ही इनवर्स होता है, तो f इज फंक्शन इज इनवर्स ऑफ itself, तो खुद ही वो इनवर्स है, मतलब कहने का भाव ये है, हमारे पास फंक्शन अगर 4x plus 3 है, 6x minus 4 है, तो f इनवर्स x भी वही होगा, 4x plus 3, 6x minus 4, ये कंडीशन कब आती है, जब ये क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब खुद ही वो खुद का इनवर्स है, इसका मतलब आप इस सम को समझ चुके हैं, देखते रहिए, समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका बहुत-बहुत